महाराजगंज जनपद में वन महोत्सव और इको टूरिज्म महोत्सव मनाया गया। 2 दिन का व्यस्त कार्यक्रम था। व्यस्त कार्यक्रम का जो कार्यभार जिनके जिम्मे था, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया और जिनके माध्यमों से ये सारी चीज़ें अरेंज हुई, वो हमारे साथ हैं। और यहाँ के महाराजगंज जनपद के DFO सर हमारे साथ हैं। और सोगी बरवा वन क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, काफ़ी समृद्धशाली वन क्षेत्र है और यहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी प्रजातियाँ हैं, ढेर सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बाकी जगहों पे नहीं मिलते हैं। और यहाँ की स्थिति क्या है और जंगल सफारी जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम कितना लोगों के लिए लाभदायक है, कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको हम नहीं देखे हैं, तो कई बार क्या होता है, हमसे ढेर सारी गलतियाँ होती हैं, हम उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं अनजाने में। तो किसी भी हेरिटेज पे जा रहे हैं या किसी जंगल में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिस पे पहले हम कभी नहीं गए हैं, तो हमारी क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, इस पे हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर स्वागत है, सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कंडक्ट करवाया, इसके लिए आपको ढेर सारा थैंक यू। और क्या है ये जंगल सफारी और सोगी बरवा वन क्षेत्र में क्या क्या आपको दिखता है, काफी दिनों से आप यहाँ हैं, कितना लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए? हमको तो ये सौभाग्य है, 2 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। 14 तारीख को माननीय वन मंत्री जी आया है यहाँ पे और सभी विधायकगण यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उन लोगों के सामने माननीय वन मंत्री जी के द्वारा काफी टेबल बुक का, टी शर्ट का, कैप का, लोगो का और जो लिंक किससे हम मतलब कि उससे हम बुकिंग कर सके जंगल सफारी वाला, उनका भी लोकार्पण हुआ है। वैसे ही मतलब हम ये और दूसरे दिन माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा और विधायकगण उपस्थित हुए थे और हमारा सीनियर अधिकारी वन विभाग से और DM साहब रहे थे, CDO साहब रहे थे, SP साहब रहे थे। इन लोगों के सामने मतलब हम ये तो हुआ है जंगल सफारी का, गाड़ी का वो तो हमने शुरुआत किया है। वहाँ पे हमने ये चाह रहे थे, ये जंगल सफारी जो है हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को यहाँ पे जितने लोगों को नौकरी दे सकता है उन लोगों को रोजगार मिल जाए। और दूसरी चीज़ हमको तो ये आशा है कि लोग तो जो अंदर जाएंगे जंगल के अंदर, उन लोगों को ऑटोमेटिकली वन वन के बारे में और पर्यावरण के बारे में हम तो ज़्यादा जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी चीज़ के लिए हमने टूरिस्ट गाइड को भी ट्रेनिंग करके रखा हुआ है, हमारा तो यहाँ पे जो डिवीजन में करके रखा हुआ है। हम ये चाह रहे थे कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी उन लोगों को एक बार 6 दिन भेज दिया जाए, तो उन लोगों का जो एटिकेट होता है, मतलब कि लोग से मतलब कि जो टूरिस्ट आता है फॉरेन से भी आता है कुछ दिन के बाद, उन लोगों से कैसे बिहेव करे, उन लोगों की लोकल का जो पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दे दिया जाए, एंड अबाउट बर्ड्स ऑल्सो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हम तो ये चाह रहे थे कि उन लोगों को भी नौकरी मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आने के लिए संभावना होता है। एंड सेकंड थिंग, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे रिगार्डिंग क्या क्या देख सकता है, यहाँ पे जानवर बहुत समृद्धि है, इसमें मेनली यहाँ पे लेपर्ड की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद चीतल ज़्यादा है, सांबार, बार्किंग डीर और नील गाय, माउंटेन लिजर्ड। हम तो बहुत यहाँ पे वी कैन सी लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो जो दूसरे देश से जो आता है विंटर के समय पे वो बहुत ज़्यादा दिखता है सिग्नल ताल में। ये तो पूरा एक तरफ है। एंड दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक स्थान है काल रामग्राम में अभी तक तो मतलब कि बातचीत यही चल रहा है कि वहाँ पे भगवान बुद्ध का वहाँ पे रिलिक्स है जो विच इज़ नॉट अभी तक ओपन नहीं हुआ है, जो पहले हमारा जगह पे जो भगवान बुद्ध का डेथ हुआ है उसके बाद तो उनका एशेस को 8 पार्ट किए थे, उसमें 7 पार्ट्स को बहुत मतलब कि बहुत पार्ट्स और करके सब लोगों को मतलब कि सभी जगह पे भेज दिया है, लेकिन तो 8 पार्ट किसी मतलब किसी ने अभी तक मतलब ओपन नहीं किया, वो तो रामग्राम में है। ये एक मतलब कि ये एक्सप्लोरेशन मतलब कि विथ सब्सटेंशियल एविडेंस बाहर आ जाए ऑटोमेटिकली ये तो बहुत बढ़िया बहुत बड़ा खबर हो जाएगा। हम ये चाह रहे थे कि लोग तो यहाँ पे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन टूरिस्ट जो आएंगे, लुम्बिनी आएंगे, कुशीनगर आएंगे, हम ये चाह रहे थे कि लोग तो यहाँ भी आ जाए, वो तो वन्य जीव को भी देख सकता है वैसे ही रामग्राम को भी जा सकता है। हम ये चाह रहे थे कि ये जंगल सफारी शुरू करने से लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा और ऐसे ही मतलब कि पर्यावरण के बारे में नॉलेज भी मिल जाएगा, वैसे ही यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा।
तो ये, और मैंने एक चीज़ और भी इसमें शामिल की थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम अनएक्सप्लोर्ड स्पेस पे जाते हैं, जंगल एक ऐसी चीज़ है जो लगभग लोगों की पहुंच से दूर है और बहुत सारे लोग आते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो क्या क्या सावधानियाँ उन दौरान बरतनी चाहिए जब लोग जा रहे हैं अंदर? जब हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पे जो भी इको टूरिज्म हो जाएगा, हमारा तो मेन कर्तव्य है कि जो भी जंगल हो और जो भी पर्यावरण हो उसको तो कोई नुकसान नहीं होना है। इसी चीज़ के लिए हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे दो, पहले चीज़ दो डस्टबिन रख के, मतलब कि जो भी हो सामान वहाँ पे अंदर के जो भी प्लास्टिक में जो भी हो वो तो तुरंत तो लेके बाहर आएंगे। एंड कम्प्लीटली हम लोग प्लास्टिक तो बैन कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी मिल जाए वो तो सीधा लेके बाहर लेके आएंगे। और सेकेंड थिंग, हम तो सभी टूरिस्ट जो जा रहा है उसके साथ हम ये सोच रहे हैं कि एक जूट की बैग दे दिया जाए। जूट की बैग ये होता है उसमें लोग तो उनकी कुछ तो भी तो वो तो डाल सकता है और बाद में वापस लेके आ सकता है, वैसे ही कर सकता है। और तीसरी चीज़ हम ये सोच रहे थे कि जो टूरिस्ट गाइड है जो हम ट्रेन कर रहा है, इन लोग हम बताएंगे कि मतलब कि वो वहाँ पे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। लोग तो मतलब कि सभी लोगों को ऐसा नहीं कि मतलब सब लोगों को पहचान होगी यहाँ पे ये कर सकता है ना, नहीं, हम तो रूल सभी लोग सभी चीज़ तो हम सिखाएंगे टूरिस्ट गाइड के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम ये देखेंगे कि टूरिस्ट सभी लोग जो आए उसको तो पर्यावरण को दे के और मतलब कि उसको तो भी प्रोटेक्ट करें। ट्रैम रेल की बात हो रही थी, ट्रैम रेल बाकी जगहों पे है जहाँ बच्चे घूमने जाते हैं और पुराने ज़माने के सिस्टम में ट्रैम रेल आपके क्षेत्र में भी है, काफ़ी दिन से अनएक्सप्लोर्ड है और उसको चलाने के लिए मंत्री जी ने कहा है और अपनी तरफ से प्रयास चल रहा है, उसकी कनेक्टिविटी आपके इस मुख्यालय से किस तरह की है? जी, ट्रैम वे जो है यहाँ पे इट्स ए यूनिक थिंग, वो तो 1926 में ब्रिटिश ने शुरू कर दिया है। उसमें तो हम ये चाह रहे थे कि वहाँ पे अभी कुछ पटरी मतलब कुछ जगह पे बचा हुआ है, लेकिन तो पूरा लाइन है, लेकिन तो इंजन इंटैक्ट है। और वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम बन जाए, बिकॉज ऐसा ट्रैम वे पूरा देश पर कहीं नहीं है। तो हम दूसरी चीज़, हम तो वो तो जो पहले जो लाइन है लक्ष्मीपुर से मधुबली आते थे, मधुबली से सौ चौक तक आते थे, लेकिन तो वो किस जगह पे जो पटरी जो कटा हुआ है, हम सोचेंगे कि मतलब उसका भी प्रस्ताव बना दिया, नहीं तो मतलब कि वो तो पहले तो एस्टिमेट कम करके हम तो वहाँ पे टूरिज्म का जो मतलब कि म्यूजियम बनाएंगे, वहाँ पे ट्रैम का म्यूजियम बनाएंगे, सो दैट लोग तो वहाँ पे आ जाए, मतलब कि पहले कैसे होते थे, मतलब कि जंगल के अंदर ही ट्रैम जाते थे, वहाँ पे पेड़ कटवाते थे, वहाँ पे मतलब कि जाते थे उस वहाँ पे। सो हम ये चाह रहे थे कि लोगों को पहचान होना है कि मतलब ऐसे चीज़ उस समय पे होते थे और उसको भी नॉलेज हो जाए कि मतलब कि उस समय पे क्या क्या चीज़ हो रहा था। लेकिन इमेजिन थिंग्स, मतलब कि वो हमको ये भी चाह रहे थे कि लोग को भी थोड़ा विज्ञान भी बढ़ जाएगा उससे, किस टेक्नोलॉजी पे पहले की ट्रेनें चलती थी और क्या सिस्टम था। जंगल हमारा सोगी बरवा वन क्षेत्र, उसमें पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं, पौधे अलग अलग तरह के हैं, किन किन तरह के पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर तो साल और साखू का, साल और टीक का ज़्यादा है, लेकिन तो मतलब कि असरा मिल जाएंगी, हल्दू है, बेत तो ज़्यादा है, एंड 13% जो 13% है यहाँ पे कवर्ड विद ग्रासलैंड्स है। सो ग्रासलैंड्स तो जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली जो चीतल के लिए, जो सांबार के लिए, लोग तो इसी जगह पे जाके मतलब उसका तो वो तो फीडिंग होता है। सो इसके लिए तो मतलब कि उसका तो जरूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि वही रहेगा तो ही मतलब वो जो कार्निवर रहने की संभावना बनता है। तो हमारा तो ये मुख्य उद्देश्य है कि ग्रासलैंड्स को बचा लिया जाए, वैसे ही हम तो मतलब सोच रहे हैं कि उसका भी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सभी चीज़ यहाँ पे समृद्ध हो जाएगा। आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पे, इतनी ज़रूरतमंद मुद्दे पे बात की, समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो जंगल सफारी आप महाराजगंज में उसका आनंद ले सकते हैं, काफ़ी कम जगह हैं भारत में जहाँ पे आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत है, आप उस जंगल में जाएं, जंगल की चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, वहाँ पे आपके रहने खाने की भी व्यवस्था विभाग की तरफ से है और वहाँ ऐसी व्यवस्थाएँ जिसका आप सुगमता से इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल सफारी के कार्यक्रम में सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अपने वृक्षों को, अपने पेड़ को और अपने एनवायरनमेंट की रक्षा भी हम करें और सभी नियमों का पालन करते हुए इस पूरे सफारी का, इस पूरे एडवेंचर टूर का आनंद लें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? महाराजगंज में जंगल सफारी शुरू होने से किस तरह की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कौन कौन से और भी प्रयास किए जा सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है जिससे कि आने वाले समयों में जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे वो उनके लिए फायदेमंद होगा? इस तरह के विशेष कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आपको ये पूरा कार्यक्रम कैसा लगा, अपना विचार हम तक पहुँचाएँ। आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद।